दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू और चावल के आटे का एक टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही कम सामान से बनता है, बहुत ही कम तेल से बनता है। जब अचानक से घर में आपके मेहमान आ जाए और आपके पास सामान कम हो तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मेहमान भी इसको बहुत मज़े में खाएंगे और आपसे पूछेंगे आपने इसको कैसे बनाया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, बने रहें मेरे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस चटपटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। बेस्ट जायका भी सीने में आप सबका। कच्चे आलू के इस टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते को बनाने के लिए ये हमने ले लिया है यहाँ पर एक कच्चा आलू, जिसको हमने छील लिया है और छील कर इसको हमने पानी में डाल दिया है। तब हमें लेना है एक कद्दूकस, और कद्दूकस में ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये जो मोटे वाला पार्ट होता है, इधर से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो चलिए सारे आलू को ऐसे ही ग्रेट कर लेते हैं, करेंगे पानी के अंदर ही, नहीं तो ये बहुत जल्दी काला हो जाता है, तो इसलिए पानी के अंदर ही हमें इसको ग्रेट कर लीजिए। हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें स्टार्च है, तो इसको ना अभी हमें 2-3 बार पानी में धुलना है और इस सारे स्टार्च को हटाकर साफ कर देना है। तो चलिए आलू को हम फटाफट, ये देखिए आलू को मैंने अच्छे से धुल लिया है और आलू अच्छे से साफ हो चुके हैं। इनको मैंने डाल दिया है एक बड़े से बाउल के अंदर। अब हमने ये लिया है 1 कप चावल का आटा। आप चाहें तो चावल का आटा अगर ना यूज करना चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको बनाने वाली हूँ चावल के आटे से और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए आटे को हम इसमें डाल देते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें चीज़ों को यूज किया है, मतलब 1 आलू लिया है और 1 ही कप मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप इसमें 2 आलू डाल सकती हैं और चावल का आटा भी बना। अब इस नाश्ते में डालने के लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि मैंने 1 प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में। ये मैंने 2 हरी मिर्चों को काट लिया है। साथ में ये मैंने लिया है थोड़ा सा टमाटर और ये मैंने लिया है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है, इसको भी काट लिया है। अब कड़ी पत्ता अगर आपको पसंद ना हो, इसका टेस्ट आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। बस हरा धनिया हो तो उसको आप डाल सकती हैं, और सब्जियां भी आप इसमें अपनी पसंद से कोई और डाल सकती हैं। ये सारी सब्जियां हम डाल देते हैं इसी के अंदर। सब्जियाँ अगर इसमें से आपको कोई पसंद ना हो तो उसको आप स्किप भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जी मैंने ली है वही आप। सब्जियाँ डालने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से मसाले। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डाल सकती हैं। ये मैंने लिए है 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, कलर आने के लिए थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और ये डाल दूँगी मैं 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च मैं कमी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का भी यूज किया है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा खाना पसंद हो तो आप इसमें मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। 1/4 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, इसको भी डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ उसमें चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस रेसिपी के अंदर। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकती हैं। सभी मसालों को डालने के बाद चलिए इसको पहले हम मिला देते हैं। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू के अंदर भी पानी होता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इतनी ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम सामान लगता है और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे इस तरीके से और इसको मिलाते जाएंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें पानी को डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। 1 कप पानी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और अभी ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी, ये देखिए 2 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप इसके बैटर की कंसिस्टेंसी ज़रूर देखिए किस तरीके का मैं बैटर बना रही हूँ। आपको भी ऐसा ही बैटर बनाना है, ज़्यादा लिक्विडी इसका बैटर हमें नहीं बनाना है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल जैसा पकोड़ों वाला बैटर होता है ना, ऐसा ही हमें इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। तो अभी हमें इसको रेस्ट पर भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साथ के साथ बना लेंगे। तो चलिए गैस के पास चलते। अब हमने रख लिया है गैस पर एक पैन और उसमें डाले हैं हमने थोड़ा सा तेल। इस नाश्ते को हम ज़्यादा तेल में नहीं बनाएंगे, इसको हम सैलो फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने
थोड़ा सा तेल डाल दिया है, लगभग आधा चमचा के करीब। तो तेल को हमें बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है। तेल को गर्म, तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, लेकिन अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर ही हमें इस नाश्ते को सेकना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा बैटर हम लेंगे चमचे के अंदर और थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे करके डाल देंगे, इसको फैला देंगे देखिए इस तरीके से। और इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसको सिकने देंगे। आप चाहे तो इसमें दो तीन भी इकट्ठे डाल सकती हैं अगर आपका पैन बड़ा हो, लेकिन मैं एक एक करके ही इसको सेकूंगी क्योंकि पैन थोड़ा सा छोटा है। तो इसको सिकने देंगे, सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे गैस की फ्लेम। एक चम्मच लेंगे और चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर भी ऐसे डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। लो फ्लेम पर इसको सेके तभी ये अंदर तक अच्छा सिक पाएगा और अच्छा सा क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो एक मिनट हमने इसको नीचे से सेक लिया है, तो इसको धीरे से हम पलट देंगे देखिए, और इसको इधर से भी अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। पलट देखिए, एक हमारा नाश्ता सिककर तैयार हो चुका है। इसको हमने पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लिया है, तो इसको हम निकाल देते हैं और बाकी नाश्ते को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सारे नाश्ते को मैंने अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसको ले लीजिए। फटाफट से हमने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और चटपटा कच्चे आलू और चावल के आटे का नाश्ता। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। जब भी आपके घर में कभी मेहमान आ जाए और आपके पास ज़्यादा सामान ना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और इसकी मज़े की बात यह है कि बहुत ही कम सामान से बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ना ही ज़्यादा तेल लगता है। आप इसको बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकती हैं, बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।